नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज आंदोलन का 18वां दिन है। कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे के बीच दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। हालांकि राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर बैठे किसानों का धरना खत्म हो गया। अपने आंदोलन को तेज करते हुए संयुक्त किसान आंदोलन के नेता कमलप्रीत ने कहा कि सिंधु बॉर्डर पर 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसानों ने आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने की भी चेतावनी दी। 13 दिसंबर 2001 भारतीय इतिहास का वो काला दिन जिस दिन लोकतंत्र के मंदिर को आतंकियों ने निशाना बनाया। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दिल्ली पुलिस के 6 जवान, 2 संसद सुरक्षा सेवा के जवान और 1 माली शामिल था। वहीं हमले को अंजाम देने आए आतंकियों को ढेर कर दिया गया। संसद पर हमले की आज 19वीं बरसी है। इस दिन संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। नेतागण संसद में मौजूद थे। किसी बात को लेकर पक्ष विपक्ष में जबरदस्त हंगामा होने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच संसद के बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट ने न सिर्फ संसद को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर आतंकियों ने हमला बोल दिया था। 19 साल पहले आज ही के दिन एक सफेद एम्बेसडर कार में आए 5 आतंकवादियों ने 45 मिनट तक लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को गोलियों से छलनी कर दिया था, जिसके दाग आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने में मौजूद हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है। इस नए ड्रेस कोड के तहत राज्य में सरकारी कर्मचारी अब जीन्स और टी शर्ट पहनकर दफ्तर नहीं आ सकेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों को दफ्तर में चप्पल पहनकर आने की भी अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा कि सभी कर्मचारी कम से कम शुक्रवार को खादी पहनकर आएंगे, जिससे हाथ से सूतकताई को बढ़ावा मिल सकता है। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा कि यह देखा गया है कि कई अधिकारी, मुख्य तौर पर अनुबंध वाले कर्मी और सरकारी काम करने की सलाह देने वाले लोग यानी कि सलाहकार, सरकारी कर्मियों के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं पहनते हैं। इससे सरकारी कर्मियों की छवि लोगों के बीच खराब होती है। ठाकरे सरकार ने अपने आदेश में आगे कहा कि राज्य में अब सरकारी कर्मचारी जीन्स और टी शर्ट पहनकर दफ्तर ना आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कर्मचारियों को दफ्तर में चप्पल पहनकर आने की भी अनुमति नहीं है। वो बेटी होने पर ताने मारने वाले लोग उस वक्त निशब्द हो जाते हैं जब बेटियां आपका नाम रोशन करती हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की फरीदपुर तहसील के चंद्रसेन सागर और मीना देवी के घर पर पहली संतान के रूप में बेटी का जन्म हुआ। फिर एक एक कर 5 बेटियां हुई। जहां परिवार में इसके बाद खुशी का माहौल था, तो लोग 5 बेटियों के जन्म पर ताने मारने लगे। चंद्रसेन सागर ने बताया कि बेटियों के अफसर बनने में कड़ी मेहनत उनकी मां की भी है। उनकी बेटियों की शुरुआती पढ़ाई बरेली के सेंट मैरी कॉलेज से हुई थी। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड, इलाहाबाद और दिल्ली से बाकी की पढ़ाई पूरी की। तीनों बहनों ने दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी की। चंद्रसेन की पहली बेटी अर्जित सागर ने 2009 में अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास की। इसके बाद वह जॉइंट कमिश्नर कस्टम मुंबई में पोस्टेड हो गई। 6 साल बाद वर्ष 2015 में दूसरी बेटी अर्पित को सफलता मिली। वह वलसाड़ में डीडीओ पर तैनात हैं। वहीं तीसरी और चौथे नंबर की बेटी अश्विनी और अंकिता इंजीनियर हैं। वे भी मुंबई और नोएडा में प्राइवेट जॉब कर रही हैं। चंद्रसेन और मीना देवी की सबसे छोटी बेटी आकृति सागर ने 2016 में दूसरे प्रयास में कामयाबी हासिल की। वे वर्तमान में जल बोर्ड की डायरेक्टर के रूप में सेवाएं दे रही हैं। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।